हेलो एवरीवन, आज हम वेव मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। आपके बुक में शायद ये चैप्टर साउंड वेव के नाम से होगा, पर एक्चुअली इस चैप्टर में पहले हमें वेव्स किसे बोलते हैं, कौन से टाइप्स के वेव्स होते हैं, ये सब देखना पड़ेगा। वेव्स का जनरल डेफिनेशन क्या है एंड वेव का मीनिंग क्या है ये देखना पड़ेगा। उसके बाद हम साउंड वेव एज अ स्पेशल एग्जाम्पल टू वेव हम देख सकते हैं। तो आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं वेव मोशन का। तो पहले मैं आपको रियल लाइफ से कुछ सिचुएशंस बता दूं जहाँ पे आपने वेव्स को देखा होगा। मान लीजिए कि एक क्लियर पॉन्ड है, कोई रिवर है, वहाँ पे जाके आपने एक स्टोन ड्रॉप कर दिया। तो जैसे ही आप स्टोन को ड्रॉप करेंगे एंड स्टोन जाके वाटर सरफेस को हिट करेगा, तो वाटर सरफेस में ऐसे कुछ सर्कुलर सा कुछ पैटर्न आप ऑब्जर्व करेंगे जो ऐसे आउटवर्ड फ्लो करेगा। इसे ही हम वेव्स बोलते हैं, इसे सर्कुलर रिपल्स बोल सकते हैं आप। या फिर आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक के टाइम सब कुछ पूरा वाइब्रेट करने लगता है। तो उसमें क्या हो रहा है, अर्थक्वेक में सिस्मिक वेव्स नाम का एक वेव्स फॉर्म होता है जो कि एकदम अर्थ के जो इंटीरियर लेयर्स है वहाँ से फ्लो करके अपने सबको वाइब्रेटरी मोशन, मतलब एक जर्क सा फील आता है। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ वेव्स। सो मैं अगर एक जनरल एग्जाम्पल से आपको वेव डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँ, तो मान लीजिए कि मेरे पास वी हैव अ लॉट ऑफ स्टिक्स, 10-12 स्टिक्स हैं अपने पास जिनको मैं ऐसे ही अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर आप मान सकते हैं कि जो आप कोचिंग क्लासेस जाते होंगे, फिर वहाँ पे एक साइकिल का ऐसे लाइन आपने देखा होगा, एकदम सारे साइकिल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड एंड एक लाइन से साइकिल है। तो जैसे ही आप एक साइकिल को हिलाएंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो अगर वो साइकिल गिर गया तो वो साइकिल अपना जो एनर्जी है वो नेक्स्ट वाले साइकिल को पास ऑन कर देगा एंड द नेक्स्ट साइकिल विल पास इट ऑन। तो वैसा ही कुछ डेमोन्स्ट्रेशन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा एक सरफेस है जिस सरफेस के ऊपर मेरे पास कुछ स्टिक्स है, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट स्टिक है, मैंने इस फर्स्ट स्टिक को एक फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई किया मतलब पहले ये इनिशियली सब कुछ रेस्ट में था, एकदम चुपचाप रुका हुआ था। हमने क्या किया, बाहर से आके इसको डिस्टर्ब किया। इसे हम बोलते हैं डिस्टर्बेंस। वेव्स की टर्मिनोलॉजी में हम किसी भी बाहर से अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम बोलते हैं कि हमने पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, क्योंकि हम मीडियम कौन है यहाँ पे, ये स्टिक्स, स्टिक्स यहाँ पे मेरा मीडियम है। क्यों, क्योंकि स्टिक्स के थ्रू हम वेव को प्रोपागेट कराएंगे। मेरा जो एक वेव फ्लो होने वाला है अभी, ये स्टिक्स के थ्रू फ्लो होने वाला है। तो जैसे ही हमने पहला वाला स्टिक को हिलाया तो ये कुछ ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, ये इसको हिला देगा, मतलब दिस स्टिक विल गो एंड हिट द सेकेंड स्टिक, द सेकेंड विल हिट द थर्ड वन एंड सारे स्टिक्स ऐसे 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 होके अल्टीमेटली गिर जाएंगे। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने स्टिक नंबर वन को पुश किया या फिर डिस्टर्ब किया, तो इसका तो कुछ वेलोसिटी आ गया। इनिशियली तो ये जो स्टिक नंबर वन था ये रेस्ट में था, जैसे ही हमने इसको पुश किया तो इसका कुछ वेलोसिटी आ गया। अब स्टिक नंबर वन ने स्टिक नंबर टू को पुश किया, अब उसका कुछ वेलोसिटी आ गया, v2 v3। ऐसे ही क्या हो रहा है, वेलोसिटी का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब अभी मान लीजिए कि जो आठवां स्टिक है, 8th नंबर स्टिक, ये तो चुपचाप रेस्ट में है, पर जैसे ही थर्ड फोर्थ को हिट करेगा, 4, 5 को हिट करेगा, 6 will hit 7 एंड 7 will hit 8, तो इसका भी कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, मान लेते हैं v8। तो स्टिक नंबर वन का अगर मास m है मानो, तो स्टिक नंबर वन का मोमेंटम कितना है, स्टिक नंबर वन का मोमेंटम है मास m1 इंटू स्पीड इंटू वेलोसिटी v1। स्टिक नंबर फोर का मोमेंटम कितना होगा, p4 m4 एंड v4। मतलब मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, और क्या चीज़ का ट्रांसफर हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। स्टिक नंबर वन का कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, मान लेते हैं 1/2 mv² जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। मतलब मेरा जो पहला स्टिक है जो इनिशियली रेस्ट में था, हमने जब इसको बाहर से एक फोर्स अप्लाई किया, सो दिस एक्वायर्ड अ वेलोसिटी, इसके पास कोई वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी आ गया मतलब इसके पास एक मोमेंटम आ गया, मोमेंटम आ गया मतलब इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी आ गया। मतलब स्टिक नंबर वन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम है। स्टिक नंबर वन के पास कुछ क्या एक्वायर हो गया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आ गया, ओके। अब स्टिक नंबर वन ने इसी काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम को आगे पास ऑन करा दिया एंड यही जो एक पैटर्न बना,
यही जो ट्रांसफर का एक पैटर्न बना, किस चीज़ का ट्रांसफर का, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसफर का, क्योंकि आठवें स्टिक के पास कोई वेलोसिटी नहीं था, ये तो चुपचाप खड़ा था, रेस्ट में था, उसके पास तो कोई एनर्जी कोई मोमेंटम नहीं था। हाँ पोटेंशियल एनर्जी था बट काइनेटिक एनर्जी नहीं था। तो जैसे ही स्टिक नंबर 7 ने इसको हिट किया तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आ गया। और यहाँ पे और एक चीज़ आपको जो गौर करना है, जो इंडिविजुअल स्टिक्स है वो अपने पोजिशन लूज नहीं किया, मतलब स्टिक नंबर 8 यहाँ पे मूव किया या फिर 7 ने मूव किया, पर इसको मूव करवाने के लिए पहला वाला स्टिक यहाँ पे आके इसको हिट नहीं किया। Why did the stick number 7 move? The stick number 7 has moved because stick number 6 ने इसको हिट किया। ऐसा नहीं है कि stick number 1 यहाँ से उठ के आके इसको पुश करना पड़ा उसको। So particles of the medium do not leave their actual position। क्या stick number 1 ने अपना actual position छोड़ा? नहीं, ये तो यही पे है। क्या stick number 4 ने अपना actual position छोड़ा? नहीं। मतलब wave एक ऐसा चीज़ है, कुछ ऐसा disturbance है मैं बोल सकता हूँ, जो सामने प्रोपागेट करेगा, मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक प्रोपागेट करेगा। एंड क्या ट्रांसफर करेगा? काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर थर्ड नंबर स्टिक यहाँ पे है तो यहीं पे रह जाएगा, ये ऐसे वाइब्रेट हो सकता है पर ये यहाँ से उठ के कोई ट्रांसलेशनरी मोशन नहीं कर सकता। तो ये तो एक जनरल लाइफ का एग्जाम्पल है। तो वेव्स का मतलब क्या है? वेव्स का मतलब है एक डिस्टर्बेंस, वेव्स का मतलब है एक डिस्टर्बेंस। मैं पीरियोडिक डिस्टर्बेंस बोल रहा हूँ इसको। पीरियोडिक क्यों? क्योंकि ये टाइम आफ्टर टाइम ये पैटर्न रिपीट हो सकता है। एंड वेव्स से क्या ट्रांसफर होगा? काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होने वाला है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम का कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा। सो विदाउट एनी नेट डिस्प्लेसमेंट, without any net displacement of particles of medium। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, अभी तो बस मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अब मैं और एक एग्जाम्पल लेके आपको वेव्स समझाने वाला हूँ, ठीक है? फिर मैं एक इसको फॉर्म करके एक डेफिनेशन बना दूंगा आपके लिए। तो पहले आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए एंड इसको थोड़ा सा नोट डाउन अगर करना चाहे एग्जाम्पल को तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मतलब फिजिक्स में हम वेव कैसे देखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा एक रिजिड सपोर्ट है एंड यहाँ से कोई रोप या फिर कोई स्ट्रिंग हमने लटका दिया। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने दोस्त को बोलो कि भाई तू वहाँ पे एक ऐसा रस्सी पकड़ ले, फिर हम दोनों ऐसे रस्सी पकड़ के ऐसे रस्सी को जर्क करेंगे। तो जैसे ही आप रस्सी को जर्क करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना, ये फोर्स क्या है, दिस इज़ द डिस्टर्बेंस जो हमने बाहर से प्रोड्यूस किया। देखिए पहले तो स्ट्रिंग पूरा रेस्ट में था, चुपचाप बैठा हुआ था, कोई बदमाशी नहीं कर रहा था, हमने आके इसको बाहर से डिस्टर्ब किया। तो जैसे ही हमने आके इसको बाहर से डिस्टर्ब किया तो इसके साथ क्या हुआ, इसी को हम देखेंगे। हम मान लेते कि ये स्ट्रिंग काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है एंड इन मॉलिक्यूल्स को हम थोड़ा सा इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। हमें अगर देखना है कि इस स्ट्रिंग में कैसे वेव्स फॉर्म होगा, कैसे वेव ट्रैवल करेगा, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए हमें अलग से स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग का जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है मैं उनको यहाँ पे शो कर रहा हूँ एंड हम इनका मोशन को ऑब्जर्व करेंगे अगर हमें वेव मोशन अच्छे से समझना है। और मैं इनका कुछ नाम दे देता हूँ, इसे ए बोल लेते हैं, इसे बी सी डी ई एफ। ये सब क्या है? ये सब स्ट्रिंग के ही पार्टिकल्स है या स्ट्रिंग के ही मॉलिक्यूल्स है जिन्हें मैं थोड़ा सा अलग से दिखा रहा हूँ। अब ये सब कुछ रेस्ट में था, सारे पार्टिकल स्ट्रिंग के रेस्ट में थे। जैसे ही हमने बाहर से एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, मतलब स्ट्रिंग को पकड़ के जर्क किया, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, फोर्स एफ, पार्टिकल ए में एक्ट किया, मतलब ये मेरा एक स्ट्रिंग है एंड पार्टिकल ए जो है एकदम स्ट्रिंग के कोने वाले में जो पार्टिकल है वो है, मैंने ऐसे अगर हिलाया तो ये जो पार्टिकल ए है इसने डायरेक्टली मेरा फोर्स एक्सपीरियंस किया, पार्टिकल ए को डायरेक्टली फोर्स इम्पैक्ट हुआ। तो पार्टिकल ए क्या करेगा, वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा क्योंकि उसे डायरेक्टली फोर्स मिला, तो पार्टिकल ए थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है? इनिशियली पार्टिकल ए कैसा था, पार्टिकल ए इनिशियली कैसा था, उसका इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था। अगर मैं पार्टिकल ए के लिए बात करूं, पार्टिकल ए का इनिशियल वेलोसिटी जीरो था। अच्छा, अब क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया है तो सर्टेनली पार्टिकल ए का जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ने लगेगा, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो पार्टिकल ए का जो स्पीड है, मैं इसको वी ए बोल रहा हूँ, वी ए दैट इज
इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमने इसे डायरेक्टली फोर्स अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट फोर्स महसूस किया इसने। अच्छा, अब एक बात अच्छे से समझिए, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी के बीच में क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब क्योंकि मॉलिक्यूल ए को हमने डायरेक्टली फोर्स अप्लाई किया, तो ये बोलेगा कि बी ए को बोलेगा कि यार तू मुझे छोड़ के जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने दिनों से हम दोनों साथ में रहते हैं, हम दोनों के बीच में अच्छा खासा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, यार मैं भी चलूँगा। और पार्टिकल ए भी अकेले नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टिकल ए पार्टिकल बी को पुल करेगा। क्यों पुल करेगा? ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। सो क्योंकि पार्टिकल ए ने पार्टिकल बी को ऊपर पुल किया थोड़ा सा, तो बी यहाँ से यहाँ पे आ गया, अपने रेस्ट पोजीशन से बी थोड़ा सा ऊपर आ गया। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए पुल्स बी ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ए पुल्स बी ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब बी थोड़ा सा ऊपर आ गया, अब क्या बी ए को पुल नहीं करेगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अगर ए और बी दो मॉलिक्यूल्स है जिनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, तो ए बी को पुल करेगा, बी ए को पुल करेगा। तो बी ने जब ए को पुल करना स्टार्ट किया, तो इनिशियली तो ए का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था, अब ए का वेलोसिटी क्या होगा? ए का वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। अच्छे से समझिए, ए का वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि बी नाउ स्टार्ट्स पुलिंग ए। फिर से मैं बता रहा हूं कि सिचुएशन क्या था। पहले सारे पार्टिकल्स रेस्ट में थे, हमने मीडियम में कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, मतलब स्ट्रिंग को पकड़ के हमने हिलाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको जर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल ए है या मॉलिक्यूल ए है, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। क्यों ऊपर गया? क्योंकि इसको डायरेक्टली फोर्स महसूस हुआ, डायरेक्टली इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया। नाउ द पार्टिकल ए और द मॉलिक्यूल ए पुल्स बी ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इसने बोला कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा यार, हम दोनों के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, मैं तेरे को खींच के लेके जाऊंगा। तो इसने बी को थोड़ा सा ऊपर खींचा। अब क्या हुआ कि ए का स्पीड तो इनिशियली क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि इसने डायरेक्ट फोर्स महसूस किया। अब ए का स्पीड फाइनली क्या होगा? कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब बी बोल रहा है कि मैं भी तेरे को अट्रैक्ट करूंगा। जब वो दोनों यहां पे थे तो तब भी उनके बीच में अट्रैक्शन था, तब ये सारे अट्रैक्शन फोर्सेस आपस में कैंसिल हो रहे थे। अब तो एक ऊपर है एक नीचे है, तो एक नेट अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। तो ए का स्पीड घटना शुरू हुआ, एंड फाइनली ए का स्पीड क्या हो गया? जीरो हो गया। तो द वेलोसिटी ऑफ ए फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस एंड बिकम जीरो। तो जब जीरो हुआ, तब मान लीजिए ए यहाँ पे था, कुछ पोजीशन यहाँ पे था, एंड इसे ही हम बोलेंगे वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, इसे ही हम बोलेंगे ए का एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब अगर मैं ए का मोशन को स्टडी करूँ, तो इनिशियली ए मान लो यहाँ पे था, अब फाइनली कुछ यहाँ पे है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया उसे हम बोलेंगे एमपी मीन पोजीशन, एंड जहाँ पे जाके उसका वेलोसिटी जीरो हो गया उसे हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। अब हमें पता है कि ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या होता है? इलास्टिसिटी होता है। इलास्टिसिटी मतलब अगर कोई पार्टिकल ऊपर चला गया, तो स्ट्रिंग के पास टेंडेंसी है उसको नीचे खींच के लेके आने। तो जहाँ पे भी स्ट्रिंग्स में अगर वेव फॉर्मेशन होगा, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी के चक्कर में जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन में जाके जीरो हो जाएगा उसका वेलोसिटी, क्योंकि अभी उसके पास कुछ भी वेलोसिटी नहीं है, सो अब ये नीचे आना स्टार्ट होगा। ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? रेस्टोरिंग फोर्स। एंड व्हाट इज दिस रेस्टोरिंग फोर्स? दिस इज ड्यू टू द इलास्टिसिटी। अगर किसी पार्टिकल ऊपर चला गया, तो स्ट्रिंग के पास कैपेसिटी है, क्योंकि स्ट्रिंग इलास्टिक है, उसको नीचे लेके आने का, एंड इसे हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स क्यों? क्योंकि यही फोर्स जो ओरिजिनल कंडीशन है, ओरिजिनली ये यहाँ पे था, अब कोई कारणवश ऊपर चला गया, तो उसको ऊपर से नीचे लेके आएगा, अपना ओरिजिनल कंडीशन रेस्टोर कर देगा। तो अगर हम ए का मोशन को स्टडी करें, या फिर हर एक पार्टिकल का मोशन को स्टडी करें इन वेव्स, देन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द वेव्स, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बोलना चाहिए, आर परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक स्ट्रिंग में पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक अगर एक वेव सेटअप हो रहा है, तो ये जो मीडियम है, मीडियम कौन है? स्ट्रिंग, जिससे वेव्स फ्लो, वेव्स प्रोपागेट करेगा। इन दिस केस, इन दिस एग्जाम्पल, द मीडियम इज स्ट्रिंग,
बिकॉज थ्रू द स्ट्रिंग द वेव इज प्रोपागेटिंग. सो मीडियम में हर एक पार्टिकल का जो मोशन है दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. दैट मीन्स इन केस ऑफ अ वेव ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन, जूम 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 जूम, ऑसिलेटरी मोशन. तो ट्रांसफर क्या हो रहा है, सामने क्या मूव कर रहा है, एनर्जी. अगर मैं आपसे बोलूं कि अ वेव इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब वन पॉइंट टू अनदर पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, ये जो पार्टिकल ए है ये यहां से लेके यहां तक जा नहीं पाएगा, तो क्या जा पाएगा, एनर्जी. एनर्जी विल फ्लो, पार्टिकल विल नॉट फ्लो. पार्टिकल क्या करेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन. एनर्जी क्या करेगा, सामने जाएगा. मतलब एनर्जी लीनियर मोशन करेगा, पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन, पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन करेगा. ठीक है ना. तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेव. एंड एक्सट्रीम में जाके उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. और एक बात आप समझ लो, पार्टिकल का वेलोसिटी वी पी एंड वेव का वेलोसिटी वी डब्ल्यू, ये दोनों अलग अलग है. क्योंकि वेव का वेलोसिटी हमेशा एक मीडियम में, वन पर्टिकुलर मीडियम में वेव का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, पर पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा. क्योंकि आप देख सकते हो पार्टिकल का वेलोसिटी मीन पोजीशन में तो मैक्सिमम है एंड एक्सट्रीम पोजीशन में जीरो है. एक्सट्रीम पोजीशन में जीरो क्यों है, क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच में हमेशा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. दैट मीन्स बी स्टार्ट्स पुलिंग ए एंड उसका वेलोसिटी डिक्रीज होने लगता है. ठीक है ना. इंटर्न अगर बी थोड़ा सा ऊपर चला गया तो बी सी को भी ऊपर पुल करेगा. तो ऐसे ही मेरा जो वेव्स है वो सेटअप हो जाएगा. तो इतना तो डिटेल्स आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया आपको. एंड अब हम वेव्स को अच्छे से एक बार डिफाइन कर लेंगे. ठीक है ना. तो आप इसको थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिए कि रेस्टोरिंग फोर्स का पर्पस क्या है. रेस्टोरिंग फोर्स का पर्पस है कि जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट में चले जाए एक्सट्रीम पोजीशन में, तो वहां से उसको लेके आने के लिए स्ट्रिंग में एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होना चाहिए. तो जिस भी मीडियम में ऐसा वेव्स फॉर्म हो रहा है उसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स चाहिए, उसमें इलास्टिसिटी चाहिए. ए का स्पीड इनिशियली इसलिए इंक्रीज कर रहा था क्योंकि हमने डायरेक्टली फोर्स अप्लाई किया ए में. अब बी ने ए को पुल करना स्टार्ट किया तो उसका स्पीड घटते 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 जीरो हो गया. तो आप इस पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिए एंड मैं फाइनली एक वेव का फॉर्मल डेफिनेशन दे देता हूँ आपको. ओके, सो व्हाट इज अ वेव. अ वेव इज बेसिकली, सो व्हाट इज अ वेव. अ वेव इज बेसिकली अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, क्योंकि हम बाहर से कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे. अगर मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एक वेव फ्लो कर रहा है, अ वेव इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. अ वेव इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद स्पीड या फिर विद वेलोसिटी 5 meters per second. तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, आप एक दो मिनट सोचिए इसको, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ. अगर आपको बोला जाए अ वेव इज मूविंग विथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विथ 5 meters per second, तो पहली बात, अ वेव इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एक्चुअली क्या मूव कर रहा है. वेव मूव कर रहा है इसका मतलब क्या है, कोई भी वेव पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जा रहा है, मान लो कि लखनऊ से लेके दिल्ली तक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है अ वेव इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इसका मतलब है एनर्जी इज मूविंग. एनर्जी इज मूविंग मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक क्या फ्लो कर रहा है, एनर्जी. पार्टिकल फ्लो कर रहा है क्या, नहीं. पार्टिकल तो बस अपने ही पोजीशन में अप एंड डाउन. तो अगर मैं बोलूं अ वेव इज मूविंग विथ 5 meters per second, तो क्या मूव कर रहा है, एनर्जी मूव कर रहा है. वेव का मूवमेंट का मतलब एनर्जी का मूवमेंट, मोमेंटम का मूवमेंट. इफ आई एम सेइंग अ वेव इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इट मींस एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. वेव वेलोसिटी 5 meters per second है, ये किस चीज का वेलोसिटी है, ये एनर्जी का वेलोसिटी है. ठीक है. इसका मतलब वेव मोशन में मेरा जो एनर्जी है, एनर्जी क्यों है, क्योंकि हम मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वेव को क्रिएट करने के लिए. तो मेरा जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या करता है, ये लीनियर मोशन करता है, मतलब वन पॉइंट टू अनदर मूव करता है. एंड मेरा जो पार्टिकल है, मेरा जो पार्टिकल है, पार्टिकल कैसा मोशन करता है, अप एंड डाउन, ऑसिलेटरी मोशन. पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करता है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन में मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर करूंगा. एंड अगर आपको वेव का जनरल डेफिनेशन देना है तो आप बोल सकते हो कि वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस. लिख लीजिए, वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. क्योंकि वन पॉइंट से अनदर अगर वेव सेटअप हो रहा है मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है. सो वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में कोई भी नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. हाँ, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऊपर जाएंगे
पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम नीचे चले आएंगे। अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है मीडियम का, तो ये मीन पोजीशन है, मीन से लेके वो एक्सट्रीम तक जाएगा पेंडुलम के जैसे, एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम, मतलब पार्टिकल ऐसे मोशन करेगा, मीन से लेके वो एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम से फिर से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मतलब अप डाउन वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पर फ्लो नहीं करेगा, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, जहां से उसने स्टार्ट किया फिर से वहीं पे रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेव। अब इसको आप नोट कर लीजिए, मैं अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन की बात करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन में तीन चार पॉइंट बताऊंगा आपको, तो उसको अगर आप ध्यान से देख ले एंड हर एक पॉइंट को समझ ले, तो आपका वेव्स का अंडरस्टैंडिंग एकदम से क्लियर हो जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है अगर आपको थोड़ा थोड़ा नया लग रहा है। जैसे ही आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन देखेंगे, तो अब तक मैंने जो कुछ बताया सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन में मेरा जो पहला पॉइंट है वो इस बारे में है कि वेव फॉर्म कैसे होता है। मतलब हम बोल रहे हैं कि वेव तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक फ्लो कर रहा है, बट ये वेव तैयार कैसे हुआ, ये वेव क्रिएट कैसे हुआ। सो द फर्स्ट पॉइंट विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, इन दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ वेव्स। सो वेव इज फॉर्म्ड बाई वाइब्रेशन। अगर हम बाहर से कोई भी पीरियोडिक डिस्टर्बेंस लाए, मतलब थोड़ी देर बाद बाद हम मीडियम को डिस्टर्ब करें, जर्क करें, ऐसे अपना मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड करें ऐसे मोशन कराने के लिए, तो अपना एक वेव फॉर्म हो जाता है। तो मैं क्या बोलूँगा कि हाउ इज अ वेव फॉर्म्ड, तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ सोर्स। सोर्स मतलब जो वेव को फॉर्म करेगा, जो वेव को क्रिएट करेगा। तो सोर्स अगर वाइब्रेट करेगा, सो सोर्स से जो कॉन्टैक्ट में मीडियम पार्टिकल्स है वो भी वाइब्रेट करेंगे, मतलब एक वेव फॉर्म हो जाएगा। सो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ सोर्स कॉजेस द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ सोर्स causes the particles of the medium to vibrate, ठीक है। तो जो सोर्स है वो वाइब्रेट करेगा, एंड सोर्स के कॉन्टैक्ट में, मतलब जैसे कि मैं स्ट्रिंग में वेव्स देख रहा था, तो सोर्स कौन होगा यहाँ पे, कोई इंसान या फिर कोई मशीन जो इस स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे हिलाएगा। जैसे इसने ऐसे जर्क किया, तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, मीडियम कौन है इसमें, जिससे वेव फ्लो करेगा, मतलब स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स है, जैसे हम इसे ऊपर नीचे ऐसे जर्क करेंगे, तो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लगेंगे, मतलब एक वेव सेटअप हो जाएगा। सो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ द सोर्स कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट, विच जेनरेट्स द वेव, विच जेनरेट्स द वेव। तो वेव इज जेनरेटेड बाई वाइब्रेशन। पहले सोर्स वाइब्रेट करेगा, सोर्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम को भी वाइब्रेट करा देगा, एंड एक वेव सेटअप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम का मोशन जो है वो कैसा है अल्टीमेटली। सो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। पार्टिकल्स, ये सब पॉइंट मैंने डिस्कस किया, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ये सब आपको लिखना है, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था, अगर यहाँ पे कोई भी वेव का पार्टिकल है तो ये कैसे वाइब्रेट करेगा। ये मान लो इसका मीन पोजिशन है, ये मीन पोजिशन से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, और ये दोनों पोजिशंस अपने एक्सट्रीम पोजिशंस है, जहाँ पे मेरा जो वेलोसिटी है वो जीरो है, एंड मेरा जो मीन पोजिशन है, मीन पोजिशन में मेरा वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो आप एक चीज़ देख लीजिए, जो मेरा वेव का वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि साउंड भी तो एक वेव है ना। आपने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया होगा कि साउंड का स्पीड एयर में 330 मीटर पर सेकंड है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक रूम में हूँ तो रूम के दरवाजे के और तो 330 है, एंड रूम के कोने में 1000 है। पूरे रूम में साउंड का स्पीड सेम रहेगा। इसका मतलब मेरा जो वेव का स्पीड है, वेव वेलोसिटी और वेव स्पीड इज कांस्टेंट। बट पार्टिकल का स्पीड को एक बार देख लीजिए, क्योंकि पार्टिकल तो लीनियर मोशन नहीं कर रहा है ना, पार्टिकल तो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। वेव का स्पीड कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि वेव इज परफॉर्मिंग लीनियर मोशन, सामने जा रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही जा रहा है, उसको तो रोकने के लिए कोई नहीं है। बट पार्टिकल तो मीन पोजिशन में उसका वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजिशन में जीरो है। तो मीन पोजिशन में मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि देखिए एक्सट्रीम में जीरो है, तो जैसे वो नीचे आने लगेगा तो
मीडियम खुद ही एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा, तो ये जीरो से बढ़ते 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 मीन में आके मैक्सिमम हो जाएगा। सो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन विद वेलोसिटी, ये आपको बताना है, जो कि पार्टिकल का वेलोसिटी है एंड वेव का वेलोसिटी है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। वेव में पार्टिकल एंड एनर्जी अलग अलग चीज़ है, पार्टिकल का वेलोसिटी अलग है, वेव का वेलोसिटी अलग है, ठीक है ना। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन विथ वेलोसिटी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वेव। मतलब मेरा जो वी डब्ल्यू है, वेलोसिटी ऑफ वेव, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, ये तो कांस्टेंट है, वेव का वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वेव का वेलोसिटी मतलब अल्टीमेटली किसका वेलोसिटी, एनर्जी का वेलोसिटी, एंड एनर्जी का फ्लो करने का जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है। बट पार्टिकल को देखिए, पार्टिकल क्योंकि ये कैसा मोशन करता है, वेव कैसा मोशन करता है, लीनियर मोशन, पार्टिकल तो वाइब्रेटरी मोशन करता है, तो उसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ये कांस्टेंट नहीं है, ये मैक्सिमम है कहाँ पे, मीन पोजीशन में, एंड ये मिनिमम है, मिनिमम मतलब एकदम जीरो ही है, कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन में, मतलब मिनिमम व्हिच इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। दिस इज जस्ट लाइक द पेंडुलम, अगर हम पेंडुलम को ऑसिलेट करेंगे तो मेन पोजीशन में पेंडुलम का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, एंड अगर ऐसे ही ऑसिलेट कर दो तो जैसे ही वो मेन से लेके एक्सट्रीम तक जाएगा, वेलोसिटी घटते 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 एक्सट्रीम तक जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी यहाँ से जैसे ही वो ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी घटते घटते घटते, वेलोसिटी घट क्यों रहा है, क्योंकि इसके एडजेसेंट पार्टिकल इसे पुल कर रहे हैं, तो घटते 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 वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। एक बार मैं देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, तो वेव का वेलोसिटी कांस्टेंट है, पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आपको बताता हूँ। हो गया आपसे, समझ लिया आपने, ओके। तो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, देखिए अगर एक वेव फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो एक्चुअली पॉइंट ए टू बी कौन फ्लो कर रहा है, इफ आई एम सेइंग अ वेव इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो क्या फ्लो कर रहा है, एनर्जी। मतलब वेव्स क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है। आप देख सकते हो कि जैसे आपको लाइट वेव्स पता है, तो अभी विंटर चल रहा है, तो अगर आपको बहुत ठंड लग रहा है, सो यू जस्ट गो आउटसाइड एंड स्टैंड अंडर द सन, तो जैसे आप सूरज के नीचे खड़े होंगे तो क्या होगा, सूरज की जो रोशनी है वो आपके बॉडी में आके स्ट्राइक करेगा, एंड आपको थोड़ा सा वार्म फील होने लगेगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द सन इन फ्रॉम द सन हीट वेव्स आर कमिंग, लाइट वेव्स आर कमिंग, दोज ऑन स्ट्राइकिंग आवर बॉडी आर प्रोड्यूसिंग हीट। तो ये हीट क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उसके पास मतलब वो सन से हीट वेव्स जो है, मतलब ये सन है मान लो, और ये आप अर्थ है, एंड अर्थ में ये आप खड़े हो, यहाँ पे आप एकदम हरकुलिस जैसे यहाँ पे खड़े हो, तो सन से जो हीट वेव्स आ रहा है वो जब आपके बॉडी में स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आपको क्या कैसा फील हो रहा है, आपको गर्मी लग रही है, वार्म फील हो रहा है। इसका मतलब ये वेव्स क्या लेके आ रहे हैं, अरे वेव्स तो कुछ लेके आ रहे होंगे ना, इसलिए तो आपको गर्मी लग रहा है, ये वेव्स एनर्जी लेके आ रहे हैं। मतलब वेव्स क्या कैरी करता है, वेव्स कैरीज एनर्जी। इसी पॉइंट को हम लिख लेते हैं कि एज द वेव ट्रेवल्स इट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एज द वेव ट्रेवल्स इट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी नेट डिस्प्लेसमेंट। अब ये वेव्स जो फ्लो करेगा, देखिए लाइट वेव्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसमें तो कोई मीडियम नहीं है, पार्टिकल नहीं है। अगर मैं मैकेनिकल वेव्स की बात करूँ, तो जैसे ही ये फ्लो करेगा, तो मैंने बताया था कि मीडियम के पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल पोजिशन लीव नहीं करेंगे विदाउट एनी नेट डिस्प्लेसमेंट। ये समझाया था मैंने आपको, विदाउट एनी नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, विदाउट एनी नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मीडियम में कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। एंड और एक जो लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया था कि वेलोसिटी, ये तो मैंने उसी पॉइंट में कंबाइन कर दिया था कि वेलोसिटी ऑफ वेव रिमेन्स
कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोपोगेशन, वेलोसिटी ऑफ वेव्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोपोगेशन, मतलब थ्रू आउट द ट्रेवलिंग, बट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरिएबल. पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कैसा है, वेरिएबल है, मतलब ये वेरी करेगा. ये मैक्सिमम होगा कहाँ पे, ये मैक्सिमम होगा मेन पोजीशन में, एंड मिनिमम होगा कहाँ पे, मिनिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन में. जैसे एक पेंडुलम है, अगर पेंडुलम को ऑसिलेट करना है तो ये जो पेंडुलम का एक्सट्रीम पोजीशन में है तो तब वो जाके मोमेंटरीली रेस्ट में आ जाएगा, मतलब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, एंड आपको बेसिक वेव्स का अंडरस्टैंडिंग शायद डेवलप हो गया होगा. देखिए ऐसा शायद डायरेक्टली आपसे इतना क्वेश्चंस ना पूछा जाए एग्जाम में, बट अगर आपके पास वेव्स का अंडरस्टैंडिंग नहीं है सो यू विल नॉट बी एबल टू गेट द इंटरेस्ट एंड डेवलप द नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स इन द चैप्टर, ठीक है ना. तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन की बात कर ली, आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स देखेंगे. ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स. तो हम वेव्स को काफ़ी बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं. जब भी आप साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन देखें, वेन एवर यू एनकाउंटर द टर्म क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, सो किस बेसिस में आपको क्लासिफाई करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए. मतलब अगर मैं बोलूँ क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ वेव्स और नेम द टाइप्स ऑफ वेव्स, तो दिस इज़ अ इनवैलिड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको मेंशन नहीं किया है कि किस बेसिस में आपको इन वेव्स को क्लासिफाई करना है. जैसे मैं अगर बोलूँ कि क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो हम ह्यूमन बींग्स को काफ़ी बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं. मैं बोलूँ कि लेट अस क्लासिफाई द ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि जो लड़के हो वो एक साइड हो जाए, लड़कियाँ एक साइड हो जाए. मैं बोलूँगा कि क्लासिफाई द ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, जो एक सर्टेन हाइट 5.5 से ज़्यादा हाइट है वो एक साइड हो जाए, 5.5 से कम है वो एक साइड हो जाए. तो जब भी हम किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं कौन से बेसिस में क्लासिफाई हो रहा है वो जानना हमें ज़रूरी है. तो पहला क्लासिफिकेशन जो हम देखेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम अ वेव इज ऑफ टू टाइप्स. ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम अ वेव इज ऑफ टू टाइप्स, पहले आप समझ लीजिए फिर आपको मैं टाइम दूंगा, आप नोट डाउन कर लेना. ऑन द बेसिस ऑफ वेव्स, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज द मैकेनिकल वेव एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर आप इसे नॉन मैकेनिकल वेव बोल सकते हो. मैकेनिकल वेव कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स जिन्हें प्रोपागेट करने के लिए, जिन्हें वन प्लेस टू अनदर में फ्लो करने के लिए एक मटेरियल मीडियम चाहिए. मतलब वेव्स दैट नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन, दे नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन. इसका मतलब क्या है? मतलब दिस टाइप्स ऑफ वेव्स कैनॉट प्रोपागेट थ्रू वैक्यूम. अगर कुछ भी नहीं है, एकदम एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस में ये वेव्स फ्लो नहीं कर सकते. आपको कुछ ना कुछ मटेरियल मीडियम देना होगा. अब मटेरियल मीडियम क्या क्या हो सकते हैं? पानी हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है. ऐसा नहीं है कि, अच्छा एक मिसकंसेप्शन डेवलप हो जाता है कि मटेरियल मीडियम का मतलब हवा चाहिए. हवा नहीं, मटेरियल मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए. वैक्यूम में फ्लो नहीं होगा, मतलब मैकेनिकल वेव्स कैनॉट प्रोपागेट थ्रू वैक्यूम. इन्हें हमेशा एक मटेरियल मीडियम चाहिए. एग्जाम्पल्स ऑफ दिस वेव्स, एग्जाम्पल्स है मान लो वाटर वेव्स. वाटर में जो वेव्स फॉर्म हो रहे थे, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल बताया था कि पानी में आप एक स्टोन डाल दो तो सर्कुलर रिपल्स फॉर्म होंगे. वो अगर आप मान लो कि पानी ही नहीं है तो आप कैसे सर्कुलर रिपल्स को ऑब्जर्व करेंगे, है ना. फिर अर्थक्वेक के टाइम में जो होता है सिस्मिक वेव्स, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस कॉज कर लेते हैं. फिर एक जो काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है जो अपने सिलेबस में भी है, साउंड वेव को हमेशा मटेरियल मीडियम चाहिए ही चाहिए, वरना साउंड फ्लो नहीं कर सकता. मतलब अगर मेरे और आपके बीच में वैक्यूम है तो अगर मैं बात करूंगा तो मेरा लिप्स को आप बस मूव होते देखोगे, आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि साउंड को वन प्लेस टू अनदर फ्लो करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है. सो दिस आर द वेव्स दैट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन. द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम
मटेरियल मीडियम। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का काफ़ी सारा कैटेगरी है जो आप क्लास 10 में डिटेल में स्टडी करोगे। एक बार मैं बस बता दूँ, इसमें आते हैं गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट लाइट, फिर मेरा जो लाइट जिसे हम बोलते हैं जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। इन्हें मतलब आप अगर एक लाइन में समझना चाहो तो लाइट वेव्स। लाइट जब सन से लेके अर्थ तक आता है तो सन एंड अर्थ के बीच में एकदम वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल लाइट आ जाता है सन में, मतलब सन से लेके अर्थ तक आ जाता है। तो लाइट को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप मून के एटमोसफियर में हो, मून के सर्फेस में खड़े हो आप, तो मून का कोई एटमोसफियर नहीं है, मून में कोई हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर आप एक दूसरे को देख सकते हो पर एक दूसरे को सुन नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ पे साउंड वेव्स प्रोपागेट नहीं हो सकता। इसीलिए मून में कम्युनिकेशन के लिए ये माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ करते हैं। हाउ कैन वी कम्युनिकेट ऑन द मून? बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन प्रोपागेट इन द मून, बट द नॉर्मल मैकेनिकल वेव्स दे कैनॉट प्रोपागेट बिकॉज वहाँ पे कोई भी एटमोसफियर नहीं है। सो टू पीपल कैन सी इच अदर ऑन द सर्फेस ऑफ द मून बट दे कैनॉट हियर इच अदर। एंड अगर उनको हियर करना है, अगर उनको आपस में कम्युनिकेट करना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन्हें यूज़ करना हो सकता है। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। नाउ वी विल क्लासीफाई वेव्स। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए एंड नोट डाउन कर लीजिए, एंड मैं इसको मिटा रहा हूँ। एंड अभी हम समझने वाले हैं वेव्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस पैटर्न, या फिर हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस पैटर्न, मतलब वेव्स का जो पैटर्न है वो कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस पैटर्न, और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। सो इस बेसिस में वेव्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, वन इज ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, एंड अनदर इज लॉन्गीट्यूडनल वेव, लॉन्गीट्यूडनल वेव। सो व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स एंड व्हाट आर लॉन्गीट्यूडनल वेव्स? ट्रांसवर्स वेव्स, जैसे मैंने आपको बताया था, जो वेव्स स्ट्रिंग में फॉर्म होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, ठीक है ना। बस मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, ए बी सी डी अगर पार्टिकल्स हैं तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, पार्टिकल ए, नाउ दिस पार्टिकल ए इज एग्जर्टिंग सम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑन बी, ये भी ऊपर जा रहा है, फिर ये इसको भी खींच रहा है, तो मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, तो ऐसा कुछ इसका पैटर्न बन जाता होगा, मतलब ऐसा कुछ इसका पैटर्न बन जाता होगा, एक ऊपर में एक वेव, एक नीचे में एक वेव, इसे हम कहते हैं क्रेस्ट एंड इसे हम कहते हैं ट्रॉ, ठीक है ना। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे वेव्स होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज वेव्स, जैसे साउंड वेव, साउंड वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्यों? क्योंकि साउंड वेव का जब मैं प्रोपागेशन एक्सप्लेन करूंगा आपके लेटर ऑन चैप्टर्स में आएगा, अभी तो मैं बस रफ बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि एक बार तो एयर लेयर्स जो है, क्योंकि ये मीडियम में फ्लो करेगा, एयर लेयर्स पूरा कंप्रेस्ड हो जाएंगे, एक कंप्रेशन फॉर्म होगा, मतलब इसमें क्या होगा, एयर लेयर्स का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम हो गया, पास पास सारे एयर लेयर्स मूव हो गए। अगर पास पास मूव हो गए तो उनके पास एक इलास्टिसिटी है, अब वो फिर से एक्सपेंड करेंगे एंड दूर दूर चले जाएंगे, एंड इसे हम बोलते हैं रियर फ्रैक्शन। सो इस टाइप ऑफ वेव्स में एक कंप्रेशन, एक रियर फ्रैक्शन। अब एग्जैक्टली कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन कैसे बनता है वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ऑल्दो मैंने वो वीडियो अपलोड भी किया है, अगर आपको जानना है तो वो शायद लेक्चर नंबर 2 या 3 में होगा, आप एक बार उसको चेकआउट कर लीजिए। तो कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन हम साउंड वेव में डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो पैटर्न है ना वो क्रेस्ट एंड ट्रॉ है। क्या है यहाँ पे? क्रेस्ट एंड ट्रॉ, एंड यहाँ पे क्या है? कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन। अब मैं एक एक करके इनका जो पॉइंट्स है वो आपको बता रहा हूँ। पहले जो जनरल डेफिनेशन है, ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, ट्रांसवर्स मतलब ये परपेंडिकुलर, इन दिस टाइप ऑफ वेव्स द मीडियम पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं, जूम 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 जूम, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। मतलब मान लो वेव्स जा रहा है टूवर्ड्स, अगर मैं नॉर्थ साउथ बना दूँ, एन ई डब्ल्यू एस, मान लो वेव्स जा रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वेव्स अगर राइटवर्ड जा रहा है ऐसे, अगर ये हाथ मेरा वेव है तो पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। सो इन दिस टाइप्स ऑफ वेव पार्टिकल्स ऑफ मीडियम
वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव. पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव. एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे बोलते हैं? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव. अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव. जब मैं इस वेव का फॉर्मेशन दिखाऊंगा आपके सिलेबस में, तब आपको समझ में आएगा कि यहां पे पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं. अगर ये मेरा वेव है तो पार्टिकल्स अगर मान लो तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे परपेंडिकुलर डायरेक्शन. देखिए परपेंडिकुलर है, ये मेरा वेव है, दिस एक्स वाई या फिर ए बी इज द वेव. एंड पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, 90 डिग्री के एंगल में है. एंड यहाँ पे क्या है, अगर ये मेरा वेव है ए बी, तो एक पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे 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 अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. ठीक है, सो ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव. एंड यहाँ पे जो मेरा डिस्टर्बेंस पैटर्न है, ठीक है ना, यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस पैटर्न है, सो मैं बोलूँगा कि ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट्स एंड ट्रॉस. ये क्रेस्ट एंड ट्रॉस क्या है भाई साहब? अगर मेरा ट्रांसवर्स वेव का मैं एक एग्जांपल ले लूँ, तो ये है ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल. इसे हम बोलते हैं क्रेस्ट एंड इसे हम बोलते हैं ट्रॉ. मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पोजीशन, ठीक है ना, इज द क्रेस्ट, और द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉजिटिव साइड इज द क्रेस्ट एंड ऑन द नेगेटिव साइड इज द ट्रॉ. सो इनका जो पैटर्न है यहाँ पे वो कैसा होगा? क्रेस्ट एंड ट्रॉ. एंड इनका पैटर्न कैसा होगा? कंप्रेशन रेयरफैक्शन. एक बार एयर कंप्रेस करेगा, एक बार एयर रेयरिफाई, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा. सो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ, लिख लीजिएगा, ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस. इसमें क्या होगा? कंप्रेशंस होगा एंड रेयरफैक्शंस होगा. ठीक है, आप पहले ये दो पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर मैं और एक पॉइंट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. अच्छा, पहले इसको नोट कर लीजिए आप. चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं. इसमें जो मेरा ट्रांसवर्स वेव है, इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि इसमें मीडियम में इलास्टिसिटी होना चाहिए, क्योंकि मैं जब बता रहा था इसका वाइब्रेशन, ये पार्टिकल ए है, पार्टिकल बी है, तो पार्टिकल ए ऊपर चला जाएगा, ये पार्टिकल बी को पुल करेगा, फिर पार्टिकल बी ए को पुल करेगा, ए का वेलोसिटी मैक्सिमम पोजीशन में जीरो होगा. अब मान लीजिए जब ए का ये जो पार्टिकल है वो यहाँ पे आ गया है, तो इसको नीचे भी तो आना होगा. अब ये नीचे कब आ पाएगा? ये नीचे तभी आ पाएगा अगर मीडियम के पास, मतलब स्ट्रिंग के पास, अपना खुद का इलास्टिसिटी है. क्योंकि अगर स्ट्रिंग खुद इसको नीचे नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? स्ट्रिंग के पास रिजिडिटी होना चाहिए, मतलब जिस मटेरियल से ट्रांसवर्स वेव प्रोपागेट करेगा उस मटेरियल के पास इलास्टिसिटी होना चाहिए. अगर इलास्टिसिटी होगा, अगर रिजिडिटी होगा, तो यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा. वरना तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि अगर एक पार्टिकल ऊपर चला गया उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो नीचे नहीं लाएगा ना, स्ट्रिंग को फर्क पड़ जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग को ऐसे रहने की आदत है. अगर आप स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को ऊपर ले जाओगे तो स्ट्रिंग इसको खुद रेस्टोरिंग फोर्स देके नीचे लाएगा. सो ट्रांसवर्स वेव ऐसे मीडियम से फ्लो होना चाहिए, ऐसे मटेरियल से फ्लो होना चाहिए जिनके पास रिजिडिटी है. इसीलिए ट्रांसवर्स वेव्स सॉलिड्स एंड अपर सरफेस ऑफ लिक्विड से फ्लो करते हैं. भैया अपर सरफेस क्यों बस लिक्विड का, पूरा सरफेस क्यों नहीं? क्योंकि पूरा सरफेस लिक्विड सरफेस में पूरा इलास्टिसिटी नहीं है, बस लिक्विड का जो अपर सरफेस रहता है, लिक्विड का अपर सरफेस में सरफेस टेंशन होता है. आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन मतलब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि ये लिक्विड का सरफेस है, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को उनके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स पुल करते हैं नीचे से, ठीक है ना, तो उनके पास काफ़ी सारा अनबैलेंस्ड फोर्स रह जाता है. एंड वो अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए एक स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है. आपको सरफेस टेंशन का डिटेल नहीं समझना है, बस ऐसा समझ लीजिए कि ड्यूरिंग सरफेस टेंशन द लिक्विड सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रिजिडिटी आ जाता है. सो ट्रांसवर्स वेव बस
उन मटेरियल से फ्लो कर सकता है, उन मीडियम से फ्लो कर सकता है जिनमें रिजिडिटी हो, इसीलिए ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपागेट ओनली थ्रू सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड्स कुछ रिजिड है। अगर आप सॉलिड्स का शेप चेंज करना चाहो तो शेप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इलास्टिसिटी का यही मतलब है कि अगर आप शेप चेंज करना चाहो तो आपका शेप चेंज में रेजिस्ट हो, तो इसीलिए सॉलिड्स के थ्रू प्रोपागेट करेगा। सॉलिड्स एंड अपर सरफेस ऑफ लिक्विड्स, अपर सरफेस ऑफ लिक्विड्स क्यों? ड्यू टू सरफेस टेंशन इनमें भी रिजिडिटी आ जाता है, सरफेस टेंशन, ठीक है। एंड जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, दे कैन प्रोपागेट थ्रू ऑल द थ्री काइंड ऑफ मीडियम, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव तो हमेशा प्रेशर डिफरेंसेस के लिए, मतलब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, एयर का वॉल्यूम कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इसीलिए क्योंकि देखिए ये अपर सरफेस ऑफ लिक्विड्स में बन रहा है, सॉलिड्स में बन रहा है, तो ट्रांसवर्स वेव्स को कभी कभी सरफेस वेव्स भी बोला जाता है, किसी भी सरफेस में जो फॉर्म हो। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रेशर वेव भी बोला जाता है, प्रेशर वेव, क्योंकि ये प्रेशर डिफरेंसेस के लिए फॉर्म होता है। जब मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक्सप्लेन करूँगा फॉर्मेशन, तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। अब तो बस हम इतना समझ सकते हैं। सो दिस आर द थ्री डिफरेंसेस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। एंड अब हम देखने वाले टर्म्स रिलेटेड टू वेव प्रोपागेशन, सो नाउ वी आर लुकिंग एट द टर्म्स रिलेटेड टू वेव प्रोपागेशन, मैं एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल लेके आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। यहाँ पे हमने एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने एज्यूम कर लिया, और मान लीजिए कि एक वेव ऐसे बन रहा है, ठीक है ना, दिस इज अ वेव। हम एक्स एक्सिस में क्या शो कर रहे हैं, हम एक्स एक्सिस में द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी या फिर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, क्योंकि वेव इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव हम शो कर रहे हैं, क्योंकि वेव मान लीजिए इस पॉइंट से जनरेट होके इस पॉइंट तक होता है। एंड वाई एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल जो है ट्रांसवर्स, ये कैसा वेव है, मैं ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। और ट्रांसवर्स वेव में हमें पता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है, तो वाई एक्सिस में मतलब ऐसे जूम 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 जूम, तो पार्टिकल्स कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होंगे, इन द वाई एक्सिस डायरेक्शन। एंड वेव कहाँ पे प्रोपागेट कर रहा होगा, इन विच डायरेक्शन, इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन। सो वाई एक्सिस में हम डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल हम शो कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो बात है इसमें वो है एम्पलीट्यूड। द फर्स्ट टर्म दैट वी नो इज एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, देखिए इस वेव का, वेव में जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मैक्सिमम किस हाइट तक जा सकता है, इस हाइट तक, क्योंकि यही इसका एक्सट्रीम पोजिशन है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। एंड मिनिमम कौन सा हाइट तक जा सकता है इसमें, मतलब मैक्सिमम ही बोलो कि पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल है तो मैक्सिमम पॉजिटिव साइड में यहाँ तक जा सकता है, मतलब ये जो डिस्टेंस है मेरा कैपिटल है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो देखिए, अगर यहाँ पे एक पार्टिकल ऑफ द मीडियम है तो एक पार्टिकल ऑफ द मीडियम मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर सकता है ऑन द आइदर साइड ऑफ मीन पोजिशन, क्योंकि मीन पोजिशन के पॉजिटिव साइड में भी जा सकता है, मीन पोजिशन के नेगेटिव साइड में भी जा सकता है। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, आप लिख लीजिए द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑन द आइदर साइड ऑफ मीन पोजिशन। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म हम पार्टिकल से डिफाइन करेंगे एंड कुछ टर्म हम वेव से डिफाइन करेंगे। एम्पलीट्यूड हमेशा एक पार्टिकल का होगा क्योंकि पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पे पार्टिकल कैसा मोशन करता है, पार्टिकल वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन करता है, एंड ऑसिलेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड वाला टर्म आता है। आपने सिंपल पेंडुलम में भी देखा होगा, वहाँ पे बोला जाता था द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब
ऑन द आदर साइड ऑफ मीन पोजिशन। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑन द आदर साइड ऑफ मीन पोजिशन। एंड क्योंकि एम्पलीट्यूड एक डिस्प्लेसमेंट है तो एम्पलीट्यूड का जो एसआई यूनिट है दैट विल बी मीटर, जो एम्पलीट्यूड का सीजीएस यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑन द आइदर साइड। आइदर साइड क्यों? क्योंकि ये साइड में भी जा सकता है, ये साइड में भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ऑन द आइदर साइड ऑफ मीन पोजिशन, ये जो मेरा पोजिशन है दिस इज मीन पोजिशन, एंड ये जो वेव्स का जो ये है मैक्सिमा या फिर मिनिमा जो भी बोलो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजिशन बोलते हैं। सो वी हैव अवर फर्स्ट टर्म एम्पलीट्यूड। नाउ लेट अस डिफाइन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक पार्टिकल के टर्म्स में, एक वेव के टर्म्स में। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप एक वेव की बात करो, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वन साइकिल ऑफ वेव, वन साइकिल ऑफ वेव, सो दिस इज दिस एक क्रेस्ट एक ट्रॉफ, इसे एक वेव बोलते हैं, वन सिंगल साइकिल ऑफ वेव, एक ऊपर का क्रेस्ट एक नीचे का ट्रॉफ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, दिस इज वन साइकिल ऑफ वेव। अच्छा अब मैं टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। टाइम पीरियड मतलब देखिए पार्टिकल, इस पार्टिकल को देख लेते हैं, ये पार्टिकल पार्टिकल ऑफ द मीडियम है, इसको एक ऑसिलेशन, ये ऊपर जाएगा यहाँ तक जाएगा, ये डिस्टेंस तक जाएगा ये, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर आएगा। तो देखिए ये इसका एक ऑसिलेशन है, तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम को एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगता है। एंड ये भी आप एक कंसेप्चुअल पॉइंट में आपको बता रहा हूँ जो बुक्स में नॉर्मली लिखा नहीं रहता, आपको काफ़ी अच्छे से समझना है इसको। जब तक पार्टिकल एक ऑसिलेशन करेगा तब तक एक वेव फॉर्म हो जाएगा। वन ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू वन साइकिल ऑफ वेव। पार्टिकल का हाफ ऑसिलेशन एक हाफ वेव, मतलब बस क्रेस्ट, पार्टिकल का फुल ऑसिलेशन एक वेव। सो वन साइकिल ऑफ वेव इज इक्वल टू वन ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। वन साइकिल ऑफ वेव इज इक्वल टू वन ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। तो आप टाइम पीरियड को टू टाइप से डिफाइन कर सकते हो, एक वेव के टर्म्स में, एक पार्टिकल्स के टर्म में। अगर आप वेव के टर्म में बोलना चाहो या फिर अगर पहले आप पार्टिकल के टर्म में बोलना चाहो, सो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन बाय पार्टिकल ऑफ द मीडियम लिख लीजिएगा, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एंड अगर आप वेव के टर्म्स में बोलना चाहो, सो टाइम टेकन टू फॉर्म वन वेव, एंड वन वेव का मतलब क्या? दिस इज वन वेव। ठीक है, यहाँ पे कितने वेव शो किए हमने? यहाँ तक एक वेव है, फिर यहाँ तक दूसरा वेव है। एक वेव में एक क्रेस्ट होना चाहिए, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रॉ होना चाहिए। ये बात समझ आती है आपको? सो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन अबाउट इज मीन पोजिशन, या फिर द टाइम टेकन टू फॉर्म वन वेव। आप कैसे भी समझ लीजिए, ठीक है, पर यह बात आपको समझना है कि जब तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा पार्टिकल का, तब तक एक वेव बन चुका होगा। ओके ठीक है। थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकेंड है। हाँ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन वन सेकेंड। ये जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है, जैसे टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन करने का टाइम, एक कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो ऑसिलेशन करने का टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में आप कितना ऑसिलेशन कर सकते हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन वन सेकेंड, या फिर अगर वेव के टर्म्स में बोलो नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वेव्स फॉर्म हो सकता है। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय पार्टिकल ऑफ मीडियम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय पार्टिकल ऑफ मीडियम इन वन सेकेंड। एंड फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है ऐसा यूनिट, उसे सेकेंड टू द पावर माइनस वन एंड दैट इज एब्रीविएटेड एज हर्ट्स। ये कैसे आया? सिंपल पेंडुलम चैप्टर से पता होगा आपको। मैं एक बार जब इसका फॉर्मूला डिराइव करूंगा तो एक बार फिर से बता दूंगा। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन वन सेकेंड, और नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन वन सेकेंड। आप तो पार्टिकल के टर्म्स में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। फोर्थ पॉइंट इज वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक सिंबल
लैम्डा. वेव लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक सिंबल लैम्डा. एंड व्हाट इज वेव लेंथ? वेव लेंथ मीन्स लेंथ ऑफ अ वेव. अगर वेव के टर्म्स में बोलो मतलब एक वेव यहां से लेके यहां तक है, इसका जो लेंथ है दिस वन, दिस लेंथ ए बी, ये जो ए बी जो डिस्टेंस है इसे ही एक वेव लेंथ बोलते हैं. और अगर आप पार्टिकल के टर्म्स में बोलो तो पार्टिकल के टर्म्स में नहीं, ये तो पार्टिकल के टर्म्स में बोल नहीं सकते क्योंकि ये तो वेव लेंथ है, तो वेव के टर्म्स में ही बोलना पड़ेगा, मतलब लेंथ ऑफ वन वेव. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड. देखिए टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव. देखिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन टू फॉर्म वन वेव. एक वेव फॉर्म होने में कितना टाइम लगा, अब एक वेव ने कितना डिस्टेंस है, मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड. वन टाइम पीरियड में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही ना होना चाहिए, क्योंकि वन टाइम पीरियड में कितना वेव बना, एक ही वेव बना. वन टाइम पीरियड में कितना वेव बना, एक ही वेव बन गया. अब एक वेव बनने के टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ दैट इज द वेव लेंथ. सो वॉट इज वेव लेंथ? वेव लेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड. वन सेकेंड नहीं, वन टाइम पीरियड. वन सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल अगर निकालो वो तो वेव वेलोसिटी हो जाएगा. सो वेव लेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड. वेव लेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड. ठीक है. फाइनली वी हैव द वेव वेलोसिटी. वॉट इज वेव वेलोसिटी? वेव वेलोसिटी इज द डिस्टेंस मतलब एनर्जी का वेलोसिटी है, क्योंकि वेव के बारे में बात कर रहे हैं तो एनर्जी का वेलोसिटी है. एंड वेव वेलोसिटी का मतलब, एंड वेव लेंथ का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट तो मीटर होगा, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, क्योंकि दिस इज डिस्टेंस. वेव वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन सेकेंड. वन सेकेंड में मेरा जो वेव है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज द वेव वेलोसिटी. ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी का जनरल डेफिनेशन ही है कि डिस्प्लेसमेंट इन पर सेकेंड. एंड यहाँ पे आप क्योंकि वेलोसिटी एंड स्पीड आर सेम, तो डिस्टेंस बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो दे आर वन एंड द सेम थिंग. आप वेव वेलोसिटी नहीं लिख के वेव स्पीड भी लिख सकते हो. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन सेकेंड. ठीक है. नाउ आई हैव वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे हमें डिस्कस करना है. तो हमने सारे डेफिनेशन डिस्कस कर दिया, ये डेफिनेशन बुक में भी गिवन है, आप वहाँ से भी एक बार रीड कर सकते हो. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे समझाना है वो क्या है, पहले मैं तो आपको एक क्वेश्चन ही बता देता हूँ कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. आपको क्या करना है कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन डिराइव करना है. मैं आपको इसको सोचने के लिए 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप एक बार सोच लीजिए फिर हम इसे करते हैं. ठीक है ना. अच्छा, तो अगर मेरा टाइम पीरियड अगर टी से मैं डिनोट करूँ, टी को मैं टाइम पीरियड बोल रहा हूँ, एंड एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी बोल सकते हो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टाइम पीरियड का मीनिंग है टाइम टेकन इन ऑर्डर टू फॉर्म वन वेव, और टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. ठीक है, मतलब कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड. सो टी टाइम इज टेकन टू कंप्लीट, टी टाइम इज टेकन टू कंप्लीट ऑसिलेशन इज इक्वल टू वन. दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एंड मेरा अगर टाइम पीरियड टी है तो टी इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. इसमें कोई आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? टाइम पीरियड का मतलब है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मैंने वही लिखा है. अगर टाइम पीरियड टी है सो टी इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. सो वन सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा, टाइम टी में तो ऑसिलेशन होगा वन, वन सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा, वन बाई टी. टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इसलिए मैंने लिखा है कि टी टाइम में एक ऑसिलेशन हो रहा है, तो वन सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा, एंड वन सेकेंड में जितना ऑसिलेशन होता है उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंड वो कितना आ रहा है मेरा, वन बाई टी. सो माई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन बाई टी. दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. टाइम पीरियड को क्या लिख सकता हूँ, वन बाई फ्रीक्वेंसी. टी को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. ये आपने पेंडुलम वाला चैप्टर में भी देखा होगा, आप इसको थोड़ा याद रखिए. ठीक है, तो टाइम टी में
ऑसिलेशंस कितना होगा वन, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक और सेकेंड क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, डिराइव द रिलेशन बिटवीन, यहां पे बोला गया है डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। यहां पे वी क्या है, वेव स्पीड। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज वेव लेंथ। एंड व्हाट इज एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। इसको हमें डिराइव करवाना है। तो फिर से हम जनरल डेफिनेशन यूज कर लेते। पहले मान लो मैं कि क्या कर रहा हूँ, और यहाँ पे ना ये टाइम पीरियड से भी पूछा सकता है, मतलब फ्रीक्वेंसी हो सकता है या फिर यहाँ पे टाइम पीरियड हो सकता है। तो मैं पहले टाइम पीरियड के टर्म्स में डिराइव करवा दूँ, फिर मैं फ्रीक्वेंसी से डिराइव कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इन टाइम टी, टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है, टाइम टेकन टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन। अब एक बात बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव लेंथ, वेव लेंथ का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड, है ना। वेव लेंथ का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। तो टाइम टी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इन टाइम टी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू लैम्डा। क्यों, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है वेवलेंथ का, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। सो टाइम टी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, लैम्डा। इन टाइम वन सेकेंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, लैम्डा बाई टी। एंड वॉट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन सेकेंड, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम पीरियड इज वेवलेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन सेकेंड इज वेव वेलोसिटी। तो यही जो मेरा आ गया, दिस इज द वेव वेलोसिटी, वी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। अब वन बाई टी का वैल्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। सो कैन दिस बी रिटन एज वी इज इक्वल टू लैम्डा इन टू वन बाई टी, एंड इन प्लेस ऑफ वन बाई टी कैन आई राइट एफ, यस। सो वी इज इक्वल टू एफ इन टू लैम्डा। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेर वी इज द, इसी को हमें डिराइव करवाना था। तो एक रिलेशन वेव वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड का, एंड एक रिलेशन वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी का। आप इसे कैसे याद रखोगे, इसे याद रखने के लिए मैं अपना एक ऐसे ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक क्या है, आपको अगर इसे याद रखना है तो क्या कर लो, आप बस ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला तो सबको याद रहता ही है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, इस केस में डिस्टेंस क्या है, क्या वी डिस्टेंस है, वेव स्पीड नहीं, क्या लैम्डा, यस दिस इज द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस के जगह लैम्डा लिख दो, स्पीड के जगह वेव स्पीड, एंड टाइम के जगह कैपिटल टी। तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी। सो वी क्या आ रहा है, लैम्डा बाई टी, दैट मीन्स वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि वन बाई टी इज एफ। सो यू कैन यूज दिस ट्रिक, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस के जगह हम लैम्डा पुट कर लो, स्पीड के जगह वी, एंड टाइम के जगह कैपिटल टी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। ओके, नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई शुड डिस्कस। सो दिस वॉज वन रिलेशन, इससे न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। There's one more thing, कि अगर मीडियम चेंज हो रहा हो, अगर मीडियम चेंज हो रहा हो, देखिए वेव्स के लिए ना सारे जो लाइट वेव्स के जो प्रॉपर्टीज है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सब कुछ वैलिड है। एक अगर मैं जनरल वेव की बात करूँ तो ये वेव रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, ये वेव रिफ्रैक्ट भी हो सकता है। तो अगर एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ठीक है ना, अब हमें पता नहीं है कि कौन सा रेरर है कौन सा डेंसर है, एंड यहाँ पे हम एक्वेस्टिकली रेरर एक्वेस्टिकली डेंसर की बात करेंगे, क्योंकि ऑप्टिकली तो ये नहीं है। तो हमें बस मीडियम चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, वन वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो आउट ऑफ वी एफ एंड लैम्डा व्हाट विल चेंज एंड व्हाट विल नॉट चेंज, देखिए अगर वन वेव इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, सो क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी ये आपको याद रखना है एंड आपको समझना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन वन सेकेंड, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। मतलब क्योंकि सोर्स वेव प्रोड्यूस करता है, कोई सोर्स वाइब्रेट करेगा तभी वेव प्रोड्यूस होगा, तो वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स के फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, क्योंकि सोर्स जो है पहले तो वही वाइब्रेट करेगा ना, एंड वो इस वाइब्रेशंस को पास ऑन करेगा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, इसीलिए फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, एंड जब तक सोर्स चेंज ना होता है तब तक फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। तो मीडियम चेंज होने में बस मीडियम के कंडीशंस बदल रहे हैं, क्या सोर्स ऑफ द वेव चेंज हो रहा है, नहीं। तो अगर मीडियम चेंज हो गया, मतलब इफ वन वेव इज मूविंग फ्रॉम
one medium to another, frequency will not change. So frequency remains constant. Frequency remains constant. ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स. बट वॉट अबाउट वेव लेंथ एंड वेव वेलोसिटी? वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा. अब डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटी डिफरेंट होगा, तो अगर मैं लैम्डा का वैल्यू निकालूं, यहाँ से वी बाई एफ होगा. अब फ्रीक्वेंसी तो कॉन्स्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वेव लेंथ एंड वेव वेलोसिटी डायरेक्टली प्रपोर्शनल है? तो अगर मीडियम चेंज होने में वेलोसिटी घट जाएगा तो मेरा वेव लेंथ भी घट जाएगा. अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ, अगर आपको थोड़ा सा समझ आता हो, कि मान लो कि ये साउंड वेव है मेरा, और साउंड वेव सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है. तो जैसे ही साउंड वेव सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जिसने वेव प्रोड्यूस किया. एंड जब तक उसके बारे में कुछ नहीं गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट. ऑन चेंजिंग द मीडियम फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट. बट सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, हमें ये पता होना चाहिए कि साउंड सॉलिड्स में ज़्यादा फास्ट है. तो जैसे ही सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो वेव का जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो घट रहा है, इसीलिए मेरा लैम्डा भी घट रहा है. सो वेन अ साउंड वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड मीडियम, इज स्पीड डिक्रीजेस, हिन्स वेव लेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस, बट फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो हम मैंने काफ़ी कुछ बता दिया वेव्स के बारे में, और आई डोंट थिंक देर इज समथिंग लेफ्ट. तो हमने वेव्स को पूरा डिटेल में डिस्कस किया. अगर आपको कहीं पर भी कोई तकलीफ आ रहा है, देखिए थोड़ा सा अलग टॉपिक है, आपने शायद ये टॉपिक्स इतने मतलब कंसेप्चुअल वे में कभी देखा नहीं होगा. सो आप क्या कीजिए, आप सारे चीज़ों को एक बार समझिए. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, अच्छे से चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा बुक में से एग्जांपल रीड कीजिए, थोड़ा सा मॉड्यूलेशन देखिए. आप टाइप कर लीजिए यूट्यूब में वेव्स मॉड्यूलेशन, तो वेव्स एग्जैक्टली कैसे फॉर्म हो रहा है, पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करें, इनको थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए एंड इनके बारे में सोचिए थोड़ा सा. फिर मैंने आपको जो समझाया आप उसको समझिए. ऑल दो आपको सब समझ में आ गया होगा, पर आपको अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप वीडियो को बार बार रिपीट में देखिए. जैसे ही आप थोड़ा सा इसको टाइम दे देंगे, एक बार सब कुछ नोट डाउन करके जैसे ही आप रीड कर लेंगे, तो ये जो आपका टॉपिक है ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको. तो आई होप आपको वेव समझ में आया होगा. अगर आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो अलॉन्ग विद द टाइम स्टैम्प, कि भैया मुझे तो 43:02 में ये वाला डाउट आ रहा है, ये आपने क्यों बोला. तो अगर आप टाइम स्टैम्प से अगर मुझे नीचे पूछो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं एंड आपका डाउट क्लियर कर दूं. सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग.